मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला में परोर स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास का दौरा किया और अस्थायी कोविड अस्पताल के शीघ्र निर्माण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले के परोर में अस्थायी प्रबंध किए जाएंगे, जिससे अगले 10 दिनों में 250 अतिरिक्त बिस्तरों की क्षमता उपलब्ध होगी। आने वाले दिनों में यहाँ बिस्तरों की क्षमता को लगभग 1000 तक बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से बीमार रोगियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए आईसीयू बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के अलावा ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरे राज्य और विशेषकर उन जिलों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के हर संभव प्रयास कर रही है जहां कोविड-19 के मामले अधिक हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा परोर में बिस्तरों की क्षमता को 1000 तक बढ़ाया जाएगा। मंडी के राधा स्वामी सत्संग ब्यास परिसर में 200 बिस्तरों की क्षमता और आईजीएमसी शिमला के नए ओपीडी ब्लॉक में अतिरिक्त 300 बिस्तरों की क्षमता सृजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र में कोविड रोगियों के लिए अतिरिक्त 500 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित कर लिया गया है। जो यहाँ पे कोविड के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे प्रदेश भर में अपनी बेड कैपेसिटी और बेड कैपेसिटी के साथ साथ में पेशेंट को हर तरह की इलाज की सुविधा जिसके माध्यम से उपलब्ध हो सके, ऐसे स्थान हमने चयनित किए हैं। उसमें कांगड़ा जिला, जो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और कोविड के मामलों के हिसाब से भी इस जिला का नंबर जो है, इस जिले में जो नंबर है कोविड के जो पॉजिटिव केसेस का, वो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। हालांकि अभी तक हमारे पास हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के अतिरिक्त हमने जो प्राइवेट हॉस्पिटल के अतिरिक्त हमने जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पपरोला, विवेकानंद, ये सारे स्थान निर्धारित किए हैं कोविड के मामलों को लेकर के ट्रीटमेंट के लिए। और ट्रीटमेंट इनमें जो चल रहा है उसमें अभी तक हमारे पास वैक्सीन की, हिमाचल प्रदेश में जो व्यवस्था चल रही है उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं है। बिल्कुल नियमित रूप से व्यवस्थित ढंग से सारा वैक्सीन का अभियान हमारे चला हुआ है। हमारे जो 18 साल से 45 साल का जो नया अभियान जो वैक्सीन का तय हुआ है, उसको हम हिमाचल प्रदेश में, उसके लिए हमने पहले ही तय कर दिया है, पहले ही कह दिया कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन हिमाचल प्रदेश के इस कैटेगरी के लोगों को भी देंगे, गवर्नमेंट उस खर्चे को बियर करेगी। और अभी इसमें जो है वो हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया गया है, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस से चीज़ों को मॉनिटर करना, हम नहीं चाहते हैं कि क्राउड हो, हम नहीं चाहते हैं कि, हम चाहते हैं इसको फेज मैनर में जिस प्रकार से ये चले, व्यवस्थित ढंग से प्लान्ड वे में इसकी वैक्सीन का जो अभियान हमारा पूरा हो। और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर जिस नंबर को हम, जिस वैक्सीन सेंटर में हम बुलाएंगे उसमें वो वहाँ पर पहुँचे और उसके मुताबिक वो वैक्सीन का अभियान आगे बढ़े। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी। हमने जो वैक्सीन की जो डोजेज हमारी रिक्वायर्ड हैं, वो डोजेज के लिए हमने उस कंपनी को लिख दी। जयराम ठाकुर ने कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए निजी प्रयोगशालाओं को भी सूचीबद्ध किया जाना चाहिए ताकि अधिक संख्या में कोविड के लिए जांच की जा सके और रोगियों को जल्द से जल्द जांच की रिपोर्ट उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि रोगियों को अस्पताल ले जाने और उपचार के उपरांत घर वापस छोड़ने को वाहनों की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 6 PSA ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं। इन्हें नागरिक अस्पताल पालमपुर, क्षेत्रीय अस्पताल मंडी, शिमला जिले के नागरिक अस्पताल रोहडू व नागरिक अस्पताल खनेरी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नाहन और क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे इन स्वास्थ्य संस्थानों में 1400 बिस्तरों को ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड अस्पताल में तैनात विभिन्न श्रेणियों के चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को 30 जून 2021 तक प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। चौथे व पांचवें वर्ष के
एमबीबीएस विद्यार्थियों, अनुबंध चिकित्सकों, सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को 3,000 रुपए प्रतिमाह का प्रोत्साहन दिया जाएगा। कोविड ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग विद्यार्थियों, जीएनएम तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों और अनुबंध प्रयोगशाला स्टाफ को 1,500 रुपए प्रतिमाह का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इलाज हो सके, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि ये मामले नहीं रुक रहे हैं, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी सूरत में हमको बड़ा प्लान करना चाहिए। इसलिए हिमाचल प्रदेश में हमने 4 जगह बड़े प्लान्स किए हैं, जिसमें कांगड़ा में ये स्थान है जहां राधा स्वामी का ये हमारा एक स्थान है, और इस स्थान पर पहले से ही स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, और यहाँ इस स्थान को हमने अनुमति ली है, और यहाँ पर 250 बेड की कैपेसिटी के साथ शुरू कर रहे हैं, और ये कैपेसिटी आने वाले समय में ज़रूरत के मुताबिक 500 भी हो सकती है, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो 1,000 और 1,000 से ऊपर भी। उस दृष्टि से यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं, कल से काम की शुरुआत होगी। और उसी तरह से कांगड़ा के अंतर्गत जो हमारा पपरोला का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसमें भी हमने शुरू कर दिया है कोविड पेशेंट को एडमिट करना। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें भी शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त मंडी जिला के अंतर्गत हमने वहाँ पर भी राधा स्वामी सत्संग की ओर से जो स्थान है उनका, वहाँ पर उसका उपयोग कर रहा है। वहाँ 200 बेड कैपेसिटी के साथ हमने काम शुरू करने के लिए कह दिया, वो काम भी कल से शुरू हो जाएगा, आज से शुरू हो जाएगा वो काम, तो ताकि वहाँ पर भी अच्छी एक सुविधा। हालांकि मंडी पूरा मेडिकल कॉलेज जो नेर चौक का हमने पूरा डेडिकेट किया है। इसके अतिरिक्त शिमला में हमने जो IGMC का OPD ब्लॉक जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, बन करके तैयार हो गया लगभग, उसमें 9 फ्लोर हैं, वो 9 के 9 फ्लोर जो है वो भी हमने कोविड के लिए डेडिकेट कर दिए हैं। और ऑलरेडी IGMC का एक पोर्शन तो पहले ही हमारा वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर चल रहा है, और उसके साथ साथ में DDU वो भी पूरा डेडिकेट किया है। तो शिमला, मंडी और उसके साथ धर्मशाला। इसके अतिरिक्त बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में बड़े स्तर पर 500 बेड की कैपेसिटी का वहाँ पर भी एक स्थान हमने निर्धारित किया, जहाँ पर बेड लगने शुरू हो गए। वहाँ पर जो कोविड का जो पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट के लिए एक स्थान बनाया जा रहा है। अभी मैं आज चंबा से आया, और चंबा में भी हमने बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एट प्रेजेंट वहाँ पर, हालांकि उतना नंबर नहीं है, होम आइसोलेशन में ज़्यादा लोग हैं, एडमिट अभी तक सिर्फ 32 लोग हैं, 32 हैं जो हॉस्पिटल में हैं, उसमें वहाँ पर भी हमने 200 की बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, 200 से ज़्यादा बोला है हम, 250 की बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उनको कह दिया है, वो भी प्लान करके आगे हम। तो कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में कोविड के पेशेंट को बेड मिलने में कठिनाई ना हो ट्रीटमेंट के लिए, ऑक्सीजन मिलने में कठिनाई हो उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने जो प्लान किया है उसके मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इस बात को भी मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामलों में जब से बढ़ोतरी हुई है, लगातार हम फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करते हुए, उनको बढ़ाते हुए कोशिश कर रहे हैं कि हम जो पेशेंट हैं उनके लिए बेहतर सुविधा दे सकें। फिर भी मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि संकट बड़ा है, कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा है, और सारी व्यवस्थाएँ जो हैं उसमें छोटी पड़ रही हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में आज की तारीख में। और उस सूरत में जितना पॉसिबल हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक कुछ दिन पहले मैंने भी एक वीडियो देखी कि एक महानुभाव, मुझे नहीं मालूम कहाँ के हैं, वो जा कर के वार्ड में वीडियो बना रहे थे, और वार्ड में वीडियो बना करके जिस प्रकार से वो पेशेंट को पूछ रहे थे कि आपको ऑक्सीजन कितने दिनों से नहीं है, ये ऑक्सीजन कितने दिन से बंद है, तो माता जी ने कहा कि 3 दिन से बंद है। अगर 3 दिन से ऑक्सीजन बंद होती है तो पेशेंट की सर्वाइवल पॉसिबल थी क्या? जब पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट रूम एयर पे कंफर्टेबल है, रह रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में उसको हर जो भी पेशेंट होगा उसको ऑक्सीजन ही लगानी है,
वो बहुत शरारतपूर्ण तरीके से जो उस आदमी ने किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की गुंजाइश है। और मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ऐसी घटिया हरकतों पर सोशल मीडिया को भी नहीं जाना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा संकट आज के दौर में हमारे सामने है, और कुछ लोग ऐसी जो है डॉक्टर अपने जीवन को संकट में डाल करके जो है दिन रात वहाँ पर काम कर रहा है। एक वार्ड बॉय जिसको 8,000 रुपये मिलता है और उसके बावजूद भी वो उस मरीज को जो है वो उसको जो है वो टॉयलेट ले जा रहा है, उसको जो है उसका डायपर चेंज कर रहा है, उसकी चादर चेंज कर रहा है, उसको खाना खिला रहा है। इन बातों को नहीं देखने की आवश्यकता है क्या? इसलिए मेरा बड़ा साफ जैसा कहना है, ये बातें जिस प्रकार से कुछ लोग शरारतपूर्ण तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संकट इन चीज़ों के लिए नहीं है। हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सारे जो जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी और यहाँ तक के समाज, इस सारी इसमें जो है त्रासदी में मेहनत कर रहे हैं, जितना भी संभव सहयोग दे सकते हैं वो दे रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि इन चीज़ों से बचना चाहिए।